Okay, now we have some extra questions on trigonometric functions in here. So using those formulas, sine alpha plus beta, sine a plus b, वो सब फॉर्मूला यूज़ करके अभी नया कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो यहाँ पर क्या है कि sine alpha दिया हुआ है, that is 15 by 17, cos beta is given 12 by 13, and हमें निकालना है sine alpha plus beta का वैल्यू. अल्फ़ा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स. तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या है? एक्यूट एंगल का मतलब लेस दैन 90 डिग्री, एंड पॉजिटिव मतलब वही पॉजिटिव होगा. सो व्हाट वी हैव इज साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है. तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है. तो साइन है तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, देन प्लस है अल्फा और बीटा के बीच में, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है, तो ये है फॉर्मूला. तो हमें क्या दिख रहा है, साइन अल्फा का वैल्यू दिया है 15 बाई 17, तो ये हो गया. कॉस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 12 बाई 13, ये भी हो गया. तो ये दोनों वैल्यू लिख लिया. लेकिन अब हमें कॉस अल्फा दिया है, साइन बीटा दिया हुआ है, तो अब इनका वैल्यू में हम लोग कैसे निकालेंगे? सो व्हाट वी आर गोना डू इज दैट कि अगर मुझे कॉस अल्फा निकालना है तो हम लोग वही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. For the value of cos alpha, अगर हमें cos alpha निकालना है by using trigonometric identity, हम लोग trigonometric identity use करेंगे, and that is साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 15 बाई 17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 17 का स्क्वायर हो गया 289. ठीक है, तो ये आया कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 289 माइनस 225 डिवाइड बाई 289. सो वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 289 और 225, दैट कम्स आउट विद 64 डिवाइड बाई 289. तो कॉस अल्फा हो गया, यहाँ पर माइनस का होने का सवाल ही नहीं उठता बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे. तो किसको स्क्वायर करने से 64 होता है, दैट इज योर 8, एंड 289 इज़ द स्क्वायर ऑफ 13. तो मेरा कॉस अल्फा आ गया 8 बाई 13. ठीक है, तो कॉस अल्फा पता चल गया. अभी मुझे क्या चाहिए, साइन बीटा चाहिए. तो सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके हम लोग निकालेंगे साइन बीटा. तो सेम टू सेम ही करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर रफ मैं आइडिया जस्ट दिखा दे रहा हूँ क्या हो जाएगा. तो साइन क्या निकला है, साइन बीटा. तो साइन बीटा तुम्हारा हो जाएगा, तुम लोग वो पूरा अच्छे से लिखना, मैं जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ. तो साइन स्क्वायर बीटा विल बी 1 माइनस, ये वाला स्टेप से कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर बाय 13 स्क्वायर. सो 1 माइनस 144 बाय 289, तो ये आ रहा है 289 माइनस 144 डिवाइड बाई 289. ठीक है, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 289 माइनस 144, दैट कम्स आउट टू बी कितना आ रहा है, 113 स्क्वायर, सो 245 आ रहा है, सॉरी 145 आ रहा है डिवाइड बाय 289. अच्छा ये कैसे हुआ, ये तो कुछ अच्छा 15 स्क्वायर ओहो 17 स्क्वायर होता है 289, क्या कर रहा हूँ मैं, 13 स्क्वायर इज 169, क्या कर रहा हूँ. सो ये हो जाएगा तुम्हारा 169, क्या बात है. सो 169
So we have 25 by 169. So sine beta will come out to be 5 by 13. Yes. अब आया साइन बीटा भी आ चुका है 5 बाई 13. तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है, तो ये अच्छे से तुम साइन बीटा का वैल्यू निकालना. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर. तो साइन अल्फा का वैल्यू था 15 बाई 17 इंटू कॉस बीटा का वैल्यू हुआ, द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा इज 12 बाई 13 प्लस then cos alpha, the value of cos alpha is 8 by 17 and then the value of sin beta is 5 by 13. तो दोनों का denominator same है, if you look carefully. So दोनों का denominator same है. So we have 17 into 13, then ऊपर में अगर multiply करेंगे 15, I think it comes out to be 180. 15 फोर ज़ा 60 होता है, और 60 और 3 180, हाँ 180 प्लस, और 8 फाइव ज़ा आ गया 40, और नीचे कितना आ रहा है 17. कैलकुलेटर पे जाते हैं तो 17 इंटू 13 दैट कम्स आउट टू बी 221. सो ऊपर है 220, नीचे है 221. सो दैट्स माई आंसर. ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया साइन ए प्लस बी का फार्मूला, देन विद इन दिस फार्मूला वी हैड साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा. हमें साइन अल्फा कॉस बीटा का वैल्यू पता था, इन दोनों का वैल्यू नहीं पता था. ठीक है, सो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोगों ने कॉस अल्फा निकाला. बाय यूजिंग दिस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1, हम लोगों ने कॉस स्क्वायर अल्फा करके कॉस अल्फा का वैल्यू निकाला. फिर सिमिलरली साइन बीटा के लिए भी हमें वही यूज़ करना है, लेकिन वहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इजगल टू 1. तो वो बेसिकली ये आएगा साइन स्क्वायर बीटा इजगल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा. अगर मैं कॉस स्क्वायर बीटा को राइट हैंड साइड में पुश कर दूँ ऐसा कुछ आएगा. फिर कॉस बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, देन वी गेट आवर आंसर. ओके, एंड आफ्टर पुटिंग ऑल दोज वैल्यूज इन हियर हमें आंसर मिल जाता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है. सो वी हैव the first question, what we see is sine 63 degree cos 27 degree plus cos 63 degree sine 27 degree. तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है. तो फर्स्ट थिंग, मैं इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करूँगा, यहाँ पर क्या है sin a cos b, cos a sin b. तुम देखो ये दोनों तो एंगल सेम है, एंड अगेन ये दोनों एंगल सेम है. मतलब दिस लुक्स लाइक द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी. बाई कंपेयरिंग द अबव प्रॉब्लम विथ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वी गेट साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी. मतलब 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, और 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री हो जाता है 90 डिग्री, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1. सो हमें मिला वैल्यू 1. ओके, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करना. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव, टैन 47 डिग्री प्लस टैन 43 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टैन 47 डिग्री टैन 43 डिग्री. अगेन मैं अगर एक फॉर्मूला से कंपेयर करूं तो यहां पर फिर से लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द अबव प्रॉब्लम with tan a plus b. तो अगर मैं tan a plus b के साथ कंपेयर करूँगा तो tan a plus b का फॉर्मूला क्या है, tan a plus tan b divide by 1 minus tan a tan b. So what we see, हमें ये राइट हैंड साइड दिख रहा है,
जहाँ पर ए के जगह पे क्या है 47 और बी के जगह पे 43, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर राइट हैंड साइड जैसा ही है तो उसका मतलब दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ए के जगह पे मैं लिख दूंगा 47 और बी के जगह पे लिख दूंगा मैं 43। वी गेट टेन 47 डिग्री प्लस टेन 43 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेन 47 डिग्री, टेन 43 डिग्री इज इक्वल टू टेन 47 प्लस 43 डिग्री। ठीक है, आया। अब ये हो गया टेन 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री क्या होता है, द आंसर विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करना। नाउ लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 हियर। व्हाट इट सेज कि प्रूव दैट, तो मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखोगे एल एच एस इतना बड़ा कुछ दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो एक्चुअली होता नहीं है। सो व्हाट वी हैव, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। यू सी 45 डिग्री प्लस ए, 45 डिग्री प्लस ए, 45 डिग्री माइनस बी, 45 डिग्री माइनस बी। सो इट इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जस्ट लाइक तुमने वो नोट लिखना जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। सो व्हाट वी हैव, प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस ए, साइन 45 डिग्री माइनस बी। तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा साइन। तो ए के जगह पे क्या है, दिस एंटायर थिंग इज इन प्लेस ऑफ ए, तो हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री प्लस ए, ब्रैकेट में डालेंगे, देन वी हैव प्लस ए प्लस बी, और बी के जगह पे क्या है, इन प्लेस ऑफ बी व्हाट वी हैव, 45 डिग्री माइनस बी। सो वी हैव साइन 45 डिग्री प्लस ए, देन प्लस 45 डिग्री माइनस बी। ठीक है, तो ये आया साइन 90 डिग्री प्लस ए माइनस बी। ये तुम्हारा एल एच एस कर रहा हूँ, लेकिन आर एच एस में क्या है, कॉस ए माइनस बी है। ठीक है, ये तो, लेकिन आंसर में तो मेरा साइन 90 डिग्री प्लस ए माइनस बी आया। तो अब अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो, साइन 90 डिग्री, अच्छा हाँ, प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इफ आई राइट लाइक दिस, अब देखो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं, 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, तो कॉस बन जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस, कॉस ए माइनस बी। देन ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 डिग्री प्लस ए माइनस बी। तो ये मेरा 90 डिग्री है, दिस इज योर 90 डिग्री प्लस ए माइनस बी। मेरे जो एडिशनल जो एंगल है वो इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि और एक क्वाड्रेंट क्रॉस कर जाए, हमेशा एक क्वाड्रेंट के पीछे ही होगा। 90 डिग्री प्लस ए माइनस बी मतलब ये वाला आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी प्लस होगा। सो यू सी इट्स सेम एज आवर राइट हैंड साइड। ओके, तो ये आंसर मैच कर गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दैट्स प्रूव्ड। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, ये खुद से करना होगा। तो यहाँ पर प्रूव करना है कॉस 2a, और ये है मेरा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पर साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सिंस साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसका मतलब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा इस क्वेश्चन को, तो ये बन जाएगा, कॉस को मैं आगे रखूंगा, क्योंकि दो कॉस और दो साइन तभी आते हैं जब मेरा कॉस का फॉर्मूला लगता है। तो ये खुद से ट्राई करना एंड सी व्हाट यू गेट। ठीक है, चलो